मध्य प्रदेश की मंदसौर में श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर आज 1 मई मजदूर दिवस पर जिला मुख्यालय पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार श्री मुकेश सोनी को जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतिपाल सिंह राणा के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन की मुख्य मांग पत्रकार सुरक्षा कानून, श्रद्धा निधि, गैर अधिमान्य पत्रकार को भी मिले श्रमजीवी, पत्रकार कल्याण आयोग का गठन, जन संपर्क कार्यालय को आधुनिक बनाया जाए, पत्रकार पंचायत बुलाई जाए, पत्रकार कल्याण आयोग का गठन हो, तहसील जिलों में यह ज्ञापन एक साथ दिया गया है। उसमें मंदसौर जिला इकाई भी पीछे नहीं है। आज पूरे जिले के पत्रकारों ने एक विशाल रैली निकालकर सिटी कोतवाली पर ज्ञापन दिया गया है। इसमें मुख्य मांग हमारी ये है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, श्रद्धा निधि उन पत्रकारों को भी दिया जाए जो अधिमान्य नहीं है, आवास उनको उपलब्ध करवाया जाए, पत्रकार भवन के लिए जमीन दी जाए, विज्ञापन नीति पर फिर पुनः विचार किया जाए, नगर पंचायत और ग्रामीण पंचायत स्तर पर जो विज्ञापन हमें मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं, लघु माध्यम समाचार पत्रों के लिए राज्य शासन विज्ञापन नीति पर पुनः मांग करें, पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ साथ हमारे पत्रकार जिनकी हत्या कर दी जाती है उनके परिवारों को विशेष लाभ दिया जाए, किसी पत्रकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट होती है तो पहले उसकी जाँच की जाए, ऐसी अनेक 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है।